नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में जो है हमने भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, भूकंप क्या होता है, भूकंप के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और भूकंप के प्रकार जो है उन सब के बारे में जाना। बाकी आगे जो है भूकंप छाया क्षेत्र जो है वो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। भूकंप अधिकेंद्र से जो है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। एक्चुअली कि भूकंप मूल जो होता है फोकस के जस्ट जो विपरीत दिशा वाला एंटीपोडल जो पार्ट होता है, आप डायग्राम में देखिए जैसे यहाँ भूकंप हुआ, इसके विपरीत भाग ये इसका एंटीपोडल एरिया कहलाता है। इसमें 103 डिग्री से और 103 डिग्री के बीच इस पूरे एरिया में जो है भूकंप छाया क्षेत्र स्थित होता है। हाँ, इसमें पी जो वेव्स का अलग भूकंप छाया क्षेत्र है और एस वेव्स का अलग भूकंप छाया क्षेत्र है। इसमें यदि 103 डिग्री से और 142 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है दोनों तरफ एंटीपोडल पार्ट पे, ये पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। इसे भूकंप छाया क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भाग में पी वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। तो भूकंप मूल के प्रति ध्रुवस्थ या एंटीपोडल पार्ट में 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच पी तरंग नहीं पहुंच पाती है या पी तरंग अनुपस्थित रहती है, इस भाग को पी तरंग भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एस तरंग भूकंप छाया क्षेत्र ये 103 डिग्री से 103 डिग्री 103 डिग्री पूर्व से 103 डिग्री पश्चिम एंटीपोडल पार्ट में एस तरंग जो है वो अनुपस्थित रहती है। तो इस भाग को, इस पूरे भाग को ये एस तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से जो है वो भूकंप छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जहां पे भूकंपीय तरंगे अनुपस्थित रहती हैं। अब जो है हम देखेंगे भूकंप के प्रभाव। भूकंप के कारण हमने पढ़ ली थी, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इस प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर जो इसके प्रभाव जो है हमें देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं। भूमि में जो कंपन होता है जिससे उसमें दरार उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, कई बार गहरी खाइयां बन जाती हैं, धरातलीय विसंगति आ जाती है, कोई भाग ऊंचा उठ जाता है, कोई भाग नीचे धस जाता है। भूस्खलन की जो है पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग की क्रियाएं होती है जिसके कारण जो है विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, लोगों के मकान दब जाते हैं या जो भी उपजाऊ भूमि वाले जो क्षेत्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मृदा द्रवण सोयल लिथिफिकेशन की क्रिया जो हो जाती है, मृदा में उपजाऊपन की कमी आ जाती है। धरातल का एक तरफ झुकने के कारण जो इसका धरातल के ऊपर और आंतरिक भाग दोनों पर प्रभाव पड़ता है। आंतरिक भाग में कैसे, आंतरिक भाग में जो जल स्रोत है जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल स्टोर है, जिस तरफ ढाल होगा तो ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर पूरा जल प्रवाहित हो जाता है। तो एक भाग के अंदर जो है आंतरिक भाग में जलाभाव हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से धरातल पर भी जो है ढालू भूमि या का निर्माण हो जाता है जिससे मृदा अपरदन जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। हिमस्खलन की प्रक्रियाएं होती हैं, बर्फ एकदम से ऊंचे भाग से नीचे की ओर जो खिसकती है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। धरातलीय विस्थापन की एक जो भाग है वो दूसरे स्थान पर दबाव के कारण जो है वो दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाता है। जो बड़े बड़े बांध नदियों पर बनाए गए हैं, नाग तटबंध इनके टूट जाते हैं जिसके कारण में जो अथाह जल भरा हुआ होता है वो जो है बिखर जाता है, फैल जाता है, तो उससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आग लगने जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, इमारतों का टूटना, इमारतों का ध्वस्त हो जाना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी जैसे विभिन्न जो प्रकोप जो है वो भूकंप के कारण जो है देखने को मिलते हैं। अब जो है फिजिकल ज्योग्राफी में हम इतना जोर नहीं देते भूकंप के प्रभाव का, ये जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ केवल हमने जानने हैं कि भाई इसके ये इम्पैक्ट होते हैं। अब भूकंप का वैश्विक वितरण,
देखें कि पृथ्वी विश्व के अंदर या पृथ्वी पर कहाँ कहाँ जो है वो भूकंप ज्यादा आते हैं, जिनको हम कुछ पेटियों में बांटकर देख सकते हैं। पहला जो है वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ये विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। संपूर्ण विश्व के लगभग 63% जो भूकंप है वो इसी पेटी में आते हैं। ये यहाँ जो भूकंप है वो इन निम्न चार कारणों की वजह से आते हैं। एक तो सागर एवं स्थल का मिलन बिंदु, या हम ये कह सकते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय दो जो अलग अलग स्वभाव वाली प्लेटें हैं वो आपस में यहाँ पर मिलती हैं। इस कारण यहाँ पे जो है वो भूकंप ज्यादा उनके मध्य अभिसरण हो रहा है। नवीन वल्लित पर्वतों वाला क्षेत्र है, देखोगे आप यहाँ पे रोकी जो रैंडीज पर्वत वाला जो क्षेत्र है वो है, तो इस कारण भी जो अभी अस्थिर क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे ज्यादा भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी की ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है इसलिए भूकंप ज्यादा आते हैं, और विनाशी प्लेट सीमाओं का यहाँ पे अपसरण होता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड देशों के क्षेत्र आते हैं। डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये पेटी कहाँ स्थित है। ये परी प्रशांत महासागरीय पेटी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ये देखो, एक तो यहाँ पर जो है ये महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय प्लेट, इन दोनों का दोनों आपस में मिल रही है, इन दोनों का अभिसरण हो रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है भूकंप ज्यादा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। दूसरा, ये नवीन वल्लित पर्वतों वाला क्षेत्र है, देखो रॉकीज, एंडीज, इस वजह से यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं। इस बेल्ट में ज्वालामुखी की घटनाएं भी, या ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित होने की वजह से भी यहाँ, क्योंकि ज्वालामुखी अपने आप में एक भूकंप का कारण होता है, तो विश्व के लगभग 63% जो ज्वालामुखी है वो इस पेटी में, जिसे प्रशांत महासागरीय पेटी के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट बेल्ट होगी। दूसरी जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पेटी में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। यहाँ पे जो है प्लेट्स का अभिसरण, हाँ एक चीज आप देख रहे होगे कि परिप्रशांत पेटी में भी ज्यादातर भाग में प्लेट्स का अभिसरण हो रहा है, तो विश्व के जो अधिक 80% लगभग 80% जो भूकंप है वो 75 से 80% भूकंप वो अभिसरण क्षेत्रों के अंदर, जहाँ प्लेट्स का अभिसरण मतलब एक दूसरे की ओर प्लेट आ रही है, संकुचन जहाँ हो रहा है वहां पर आते हैं। यहाँ आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक भूकंप या भ्रंशन मूलक भूकंप होते हैं। यह पेटी केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्पस, काकेशस, हिमालय और जैसी नमीन पर्वत श्रेणियों से होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और आगे चलकर प्रशांत महासागरीय पेटी में ये मिल जाती है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत आता है। देखिए आप डायग्राम में हम देखेंगे, ये यहाँ पे जो है ये केप वर्डे जो कि अटलांटिक महासागर में है, यहाँ से शुरू होकर ये जो है भूमध्य सागर या काकेशस, आल्पस पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, इधर से होते हुए इंडोनेशिया वगैरह इनसे होते हुए ये यहाँ पे प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो इस क्षेत्र में ये मध्य महाद्वीपीय पेटी जो लगभग महाद्वीपों के बीच से होकर गुजर रही है, तो ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक में पेटी, जो कि अटलांटिक महासागर के मध्य जो कटक स्थित है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, इसके सहारे सहारे स्थित है। यह पेटी उत्तर में स्पिट बर्जिन और आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बफेट जो द्वीप है तक विस्तृत है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण, रूपांतरित जो भ्रंश के निर्माण एवं ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यहाँ पे उन दोनों पेटियों में कोई कॉमन चीज थी कि वहां पे प्लेट्स का अभिसरण हो रहा था, और यहाँ पे इस पेटी में क्या हो रहा है, प्लेटों का अपसरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो भूकंप है वो कम तीव्रता वाले होते हैं। इस मेखला में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। यहाँ जो है अपसरण के कारण जो है प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं, जो भूकंप आते हैं वो भी कम तीव्रता वाले होते हैं। तो ये था जो है भूकंपीय जो भूकंप का वैश्विक वितरण या धरातल पे भूकंप का वितरण यदि हम देखें तो वो तीन पेटियों के रूप में हमने पढ़ा। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी हो गई, ये परी प्रशांत महासागरीय पेटी हो गई, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई, ये तो हो गई परी प्रशांत महासागरीय पेटी, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, और ये अटलांटिक महासागर जो आप देख रहे हो जिसे मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। यहाँ अपसरण के कारण भूकंप आते हैं और इन दोनों पेटियों में जो है वो प्लेट्स का अभिसरण हो रहा है, ये ज्यादा विनाशी होते हैं। एक टॉपिक था इसमें बेनी ऑफ जोन क्या होता है। बेनी ऑफ जो जोन है वो
अभिसरण, जब प्लेट्स का यहाँ देख रहे हो आप, एक प्लेट ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर प्लेट है, तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर अभिसरण कर रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये इस तरफ गति कर रही है इस तरफ, तो जो पेटी भारी होती है वो नीचे सब्डक्ट करती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो है आपने पढ़ा होगा कि जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर धस जाती है, तो नीचे की ओर ये धसते हुए जब एग्जैक्ट ये इस पेटी से जब 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस स्थिति को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। जैसे ही ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, वैसे ही इस पेटी का जो आगे का भाग है, ये यहाँ पे ये जो है अधिक गहराई पर जाने के कारण तापमान अधिक होने से ये पार्ट जो है वो पिघल जाता है, और जिससे मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है। तो इस स्थिति को बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में अभिसरण करती हैं, तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण वो नीचे धस जाती है, और नीचे धसते हुए जैसे ही वो महाद्वीपीय प्लेट से 45 डिग्री का कोण बनाती है, इस स्थिति को बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। और इस स्थिति में आने पर वो इतनी गहराई तक जो है वो प्लेट चली जाती है कि वहां पर अधिक तापमान के कारण उसका आगे का हिस्सा जो है वो पिघल जाता है, और जिससे वहां मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सुनामी। जब भूकंप की जो गतिविधि है, या भूकंप जब महासागरीय क्षेत्र के अंदर आता है या महासागरीय तली के ऊपर आता है, तो वहाँ जल, महासागरों में जल होता है, जैसे भूकंप कंपन होने से जो है वो महासागर में दैत्याकार जो तरंगे उत्पन्न होती है, और ये जो दैत्याकार तरंगे होती हैं इन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। तट पर आती समुद्री लहरें, ज्वारीय तरंगों से इनका कोई संबंध नहीं होता। सुनामी जो है वो भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगे होती हैं। सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं कि जब महासागरीय तली के ऊपर भूकंप आता है, उस भूकंप के कारण महासागरीय जल में जो दैत्याकार लहरें उत्पन्न होती हैं, वो जो है वो सुनामी कहलाते हैं। जैसे ही ये तट की ओर आती हैं, तो इनकी गति के अंदर जो है इनका जो वेग होता है उसमें भी वृद्धि होती है, और ये तट से टकराकर काफी जो है आगे की ओर जो है धरातल पर विनाश करती हैं। 2004 के अंदर जो है ये भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर जो है वो सुनामी की घटना आपको याद होगी। डार्ट जो होता है ये होता है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ टी सुनामी। ये खास तकनीकी है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर जो है वो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके से भूकंप के अंतर्गत हमने देखा भूकंप क्या होता है, भूकंप मूल, एपिसेंटर, ये क्या होते हैं, भूकंप का जो मापन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, किस स्केल पर किया जाता है, भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, उन तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भूकंप के क्या कारण हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि भूकंप का वैश्विक वितरण जो है वो 3 पेटियों के रूप में जो है हमने पढ़ा, फिर बेनी ऑफ जोन क्या होता है, सुनामी क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो भूकंप के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। धन्यवाद।